Okay, good morning, Ram Ram, new day. So I'm at station, kaun sa station hai ye? Ye hai Ditlikon. Station ka naam hai idhar, Ditlikon. Aur ye hai suburb of Zurich. Aur yahan se ye train aa rahi hai. Ek ye train aa gayi. तो ये छोटा स्टेशन है, यहाँ सारी ट्रेन रुकती नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ट्रेन है 10:45 पे, 11:45 पे आएगी, हर एक आधे घंटे बाद ट्रेन है। और दूसरी तरफ जाने वाली ट्रेन वो उधर दिख रही है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो देखते हैं किधर को चलते हैं। और स्टेशन है इधर, ये वाला। ओके भाई, ये है एपन जल नया शहर। और यहाँ पर पता नहीं क्या है देखने का। एक सामने गिटार दिख रहा है। और ये ट्रेन स्टेशन से आ रहे हैं इधर से, कोई टूरिस्टिक एरिया है घूमने का। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, ये क्या है। ये इधर ओल्ड स्टाइल बिल्डिंग है। ये है जुन्फुस, ये HAUS जो होता है हाउस, तो जुन्थ हाउस। एप्पलजन, ये किसी का हाउस है, हाउस ऑफ एप्पलजन, मेन हाउस ऑफ एप्पलजन और समथिंग लाइक दैट। तो देखता हूँ इसको लेंस से ट्रांसलेट करके। और ये है यहाँ की शायद फ्ली मार्केट। ओ, आज तो फ्ली मार्केट लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। फ्ली मार्केट, हाँ, सामान बिक रहा है। ये सारा इधर मार्केट लगी हुई है, इधर भी मार्केट लगी हुई है। तो लोग अपना पुराना सामान बेच रहे हैं। और ये इधर छोटी छोटी दुकानें हैं। और ये इधर सामान बिक रहा है। और आगे भी कुछ है, लेट्स चेक इट आउट। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है भाई यहाँ पे। इधर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। और इधर को चलते हैं आगे की तरफ। और ये टाउन है आगे, और इधर आगे भी जा सकते हैं। और ये है इधर चर्च है, सीमेंट्री। ओह,
भूखे भाई। तो ये कुछ ऐसा सा टाउन है, इधर पीछे की तरफ जहाँ से हम आ रहे हैं इधर तो काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट और टूरिस्टिक एरिया था, और अब ये नॉर्मल टाउन स्टार्ट हो गया है। तो ये नॉर्मल टाउन इस साइड, अभी आगे थोड़े नॉर्मल घर, लेस टूरिस्टिक एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तो वहाँ की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव ए फील देयर हाउ डज इट लुक। और ये इधर कोई चर्च है, ओल्ड चर्च, और इधर पीछे हाइक भी कर सकते हो, अच्छी जगह है। लेकिन हम यहाँ पे पास में एक लेक है तो सोच रहे हैं कि वहाँ जाके हाइक करेंगे। Okay guys, it looks like this. A horse there, and this is the same place. Now it's not sunny anymore. It's a big shoe store, and now we are going to a lake. तो भाई ये है, इधर से एक आगे ट्रेल लेक के ऊपर जाएगी, इस वैली के अंदर लेक है और पैराग्लाइडिंग आ रहे हैं, और ये है ट्रेन स्टेशन। तो ये लास्ट ट्रेन स्टेशन है, और यहाँ से हाइक कर सकते हो आगे, येलो हाइक, ये येलो हाइक जा रहे हैं, और ये पास में नदी है, रिवर, क्या क्लीन पानी है भाई। और अब हम हाइकिंग की तरफ जा रहे हैं। हेलो, वाओ गाइस, वाओ, व्हाट ए व्यू हियर। वो देखो ऊपर एक झरना है, और इससे ऊपर लेक है एक, और उस लेक में से ये नदी आ रही है, फ्रेश वाटर। और ऊपर ये कुछ घर बने हुए हैं, आई थिंक काउ हाउसेस। Glacier Express guys, that's Glacier. Good job guys. ये है लेक, और इसके तरफ ऐसा व्यू है, ये लेक है और ये एक गेस्ट हाउस है इधर, और ये इधर लेक है, और यहाँ से ऊपर पहाड़ हैं चारों तरफ, और ये एक तरफ पानी सारा इकट्ठा होके, और इधर को एक इसमें से रिवर निकल जाती है, छोटी सी स्ट्रीम, फिर आगे नीचे जाके रिवर बन जाती है। गाइस ऐसा व्यू है। अब ये ट्रेल हो चुकी है पूरी, और हम आ चुके हैं लेक से नीचे, और ये कुछ ऐसा व्यू है। ये क्या है? अच्छा, ये लेक का इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ऊपर, वो जो लेक है ऊपर जाके, और हम आ गए हैं इधर, और ये काउस, ये भी घर नहीं जा रही है, पानी पीने आ रही है। हाँ, इनका पानी का रास्ता है इधर, ये वो छोटे वाली स्मार्ट है, वो उधर से शॉर्टकट मार रही है। ये इनकी लीडर है, बड़े वाली वाइट वाली, ये इनकी दादी अम्मा है, ये पूरा ग्रुप इसके पीछे चल रहा है,
ओह वो दूसरा आ गया, एक और की करा है। इनको ये नहीं मालूम हर रोज़ पानी ही से पीती हैं ये। वो ये आई, या ये गई, पता नहीं क्यों डर रही हैं। हाँ ये तो हमें देख रही हैं, वो खाने में मस्त है। वो बुढ़िया, वो लास्ट बेचारी, उसकी हड्डियाँ दिख रही हैं। तो वो बूढ़ी है, बूढ़ी अम्मा, वो ओल्ड महारानी ऑफ द गैंग, नाउ शी इज रिटायर्ड। तो भाई मैं तो सिर्फ, मुझे जो अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे सबसे ज़्यादा कि है नेचुरल ब्यूटी। अगर उसके लिए पा रहे हो हाइकिंग और वो सब करने के लिए तो बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सेफ्टी कुछ ज़्यादा है, जैसे यूएस में इतनी नहीं होती है। नेचुरल हाइक तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे डिफरेंट तरीके की भी हैं। लेकिन अगर आपको यूरोप में कहीं पे हाइकिंग और इस तरह से करना है, डिफरेंट जगह, डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट स्टाइल, तो यहाँ आ सकते हो। अदरवाइज़ मुझे तो ज़्यादा पहाड़ों का वो नहीं है, ग्लेशियर देखने का शौक, तो लोग उसके लिए भी आते हैं कि ग्लेशियर पे ऊपर जाने के, टॉप ऑफ द यूरोप और ये इस तरह के। तो भाई उसके लिए तो जाओ एवरेस्ट, अगर टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है तो, नहीं तो ये ठीक जगह है अगर ये हाइकिंग वाइकिंग के लिए आ रहे हो।